हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का सेट 30, और ये पेपर हुआ था 19/8/2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं इन रियल क्वेश्चंस को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2017 के। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि examinee.in इस वेबसाइट पर आप मेरे ब्लॉग जरूर पढ़ें, इनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एक स्पॉटिंग कलर का क्वेश्चन है, ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथ्स। देखिए, एक होता है क्लॉथ जो कि बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, और क्लोथ्स हम बोलते हैं जो सिले हुए कपड़े रहते हैं, जिनको हम पहनते हैं, जो गारमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और क्लॉथ यानी CLOTH जो होता है वो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। तो ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथ्स शी बॉट ऑफ द ट्रिप, मतलब वह उन कपड़ों को पसंद करती या पसंद करने वाली थी जिनको जिन कपड़ों को उसने ट्रिप के लिए ख़रीदा था। शी बॉट फॉर द ट्रिप, यहाँ पर ऑफ द का कोई सेंस नहीं है, ऑफ प्रोपोजिशन का कोई सेंस नहीं है। शी बॉट फॉर द ट्रिप, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन ही सेड स्टेपिंग टू हर, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है कि आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया। यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन ही सेड, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेपिंग टू हर का क्या मतलब है, स्टेपिंग टू हर मतलब उसकी तरफ बढ़ते हुए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली एक फ्रेज होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप ऑन समवन। स्टेप ऑन समवन का मतलब होता है टू ट्रीट समवन बैडली बिकॉज दे हैव लेस पावर और इम्पोर्टेंस देन यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टेपिंग टू हर का कोई सेंस नहीं है, स्टेपिंग ऑन हर आप बोल सकते हैं यहां पर। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को जहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगता है कि यहां पर एरर हो सकती है, तो यदि आपको पता भी नहीं है उसके बारे में कि स्टेपिंग ऑन क्या होता है, तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं ज्यादातर सिचुएशंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आफ्टर मिसिंग 4 days ऑफ स्कूल ड्यू टू अ ऑफ फ्लू बबीता स्ट्रगल टू मेकअप फॉर हर मिसिंग वर्क। देखिए, इसमें दो फ्रेज आए हैं, एक होता है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी चीज को कंपनसेट करना, ठीक है। सपोज आप शुरू में किसी काम को नहीं कर पाए और बाद में उसको फिर ज्यादा आर्स देते हैं और ज्यादा टाइम देके उसको आप उसकी हर्जाना पूर्ति करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपनसेट इसको हम बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है कि आफ्टर मिसिंग 4 days ऑफ स्कूल ड्यूटी ए, यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आपको नाउन चाहिए। अब इसमें से नाउन कौन सी है, अबाउट नाउन नहीं है, अमाउंट नाउन है, अरे भी नाउन है। अरे का मतलब होता है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस ऑफ फ्लू आप बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। अमाउंट ऑफ फ्लू नहीं बोल सकती, बीमारियों के लिए हम अमाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते, अबाउट आप नहीं बोल सकते। बाउट का मतलब होता है एक छोटा सा सेशन, एक छोटा सा पीरियड, शॉर्ट पीरियड, उसको हम बोलते हैं बाउट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्पेल होता है, सेशन होता है या शॉर्ट पीरियड होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बाउट, BOUT। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंपनी रिफंडेड द कस्टमर्स मनी इन विद द लॉ। तो इसमें से क्या आ सकता है, अकॉर्डिंग के साथ तो टू आता है, तो टू तो यहाँ पर है नहीं, तो अकॉर्डिंग नहीं आएगा, अकॉर्डिंगली नहीं आएगा, क्योंकि इन के साथ अकॉर्डिंगली नहीं जुड़ेगा। अकॉर्डिंगली मतलब इसके अनुसार, अकॉर्डिंगली में इन नहीं आता, अकॉर्डिंग में टू आता है, तो टू नहीं है, यहाँ पर विद है, तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। विद के साथ जुड़ सकता है इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद, ये करेक्ट फ्रेज है, उसके अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद, इसको हम लॉ में यूज करते हैं और लॉ की ही बात हो रही है यहां पर, तो इन अकॉर्डेंस विद यहां पर आपका सही आंसर होगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफेक्सिनेट का सिनोनिम क्या है। अफेक्सिनेट मतलब जो प्यारा है, जिसको सब लोग प्यार करते हैं, उसको हम बोलते हैं अफेक्सिनेट। निग्लेक्टफुल तो इसका होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव वर्ड है, निग्लेक्ट का मतलब इग्नोर करना। अलूफ का मतलब अकेला। सप्रेसिव मतलब जो दूसरों को दबाता है, वो होता है सप्रेसिव। सिंपैथेटिक इसका सही आंसर होगा अफेक्सिनेट का। कंसीक्वेंट इसका सिनोनिम क्या होगा, कंसीक्वेंट मतलब परिणाम स्वरूप।
जैसे एक इंसिडेंट हुआ और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो भी इफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं कंसीक्वेंट, ठीक है, जो इफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं कंसीक्वेंट। और इसके लिए जो दूसरा वर्ड है वो है इंसुइंग, इंसुइंग इफेक्ट, किसी एक्शन के बाद में जो इफेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंसुइंग। इसको आप सब्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं, सब्सिक्वेंट। तो बी यहाँ पर सही आंसर होगा। इंसेप्शन होता है शुरुआत किसी भी चीज़ की, डॉन को भी हम शुरुआत के लिए बोल सकते हैं, और क्रिएशन मतलब किसी चीज़ को बनाना, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका इंसुइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पासीमोनियस, इसका एंटोनिम बताना है। पासीमोनियस मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस, कंजूस। अब देखिए इसमें एबेरिसियस होता है लालची या ग्रीडी, चिंटी का मतलब होता है इन्फीरियर, फ्रूगल जो मितवेयी है, ठीक है। अब देखिए पार्सिमोनियस का फ्रूगल नहीं होगा, पार्सिमोनियस मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस, और लेविश मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैसा खर्च करने वाला, फ्रूगल जो वेस्ट नहीं करता पैसे को, ठीक है, कंजूस नहीं है लेकिन पैसे को वेस्ट नहीं करता, लेविश पैसे को वेस्ट करता है, वेस्टफुल होता है, फ्रूगल वेस्टफुल नहीं होता। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। पार्सिमोनियस पैसा खर्च ही नहीं करता, फ्रूगल थोड़ा बहुत पैसा खर्च करता है, मतलब जो ज़रूरत है उसी पर पैसा खर्च करता है, लेविश ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका लेविश। फ्रूगल को आप इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं। फिल्च, फिल्च मतलब इसके लिए एक वर्ड होता है पिल्फर, मतलब छोटी मोटी चोरी करना, कैजुअली कहीं से सामान उठा लेना, उसको बोलते हैं फिल्च। फिल्च एक कैजुअल स्टीलिंग को आप बोल सकते हैं फिल्च। स्मगलिंग एक सीरियस बिजनेस होता है, बड़े लेवल पर होता है ये, ठीक है। तो फिल्च का जो एंटोनिम होगा वो होगा स्मगल। अप्रोप्रिएट मतलब टू अप्रोप्रिएट मतलब सही, इनक्रोच का मतलब इन्वेट करना, किसी की प्रॉपर्टी, किसी की ज़मीन या किसी के जो भी किसी का एरिया है वहाँ पर बिना परमिशन के घुस जाना, उसको हम बोलते हैं इनक्रोच या इन्वेट। फिलेंथ्रॉपी होती है जिसमें हम परोपकार का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रॉपी। तो यहाँ पर इसका सही होगा स्मगल, फिल्च का एंटोनिम, ठीक है। फिल्च का आप देख सकते हैं यहाँ पर, पिल्फर और स्टील समथिंग स्पेशली एन आइटम ऑफ स्मॉल वैल्यू इन ए कैजुअल वे, उसको हम बोलते हैं फिल्च। यहाँ पर ये गलत हो गया है, थोड़ा सा फ्लिच हो गया है, ये फिल्च है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है, देखिए कोई चीज़ जब किताब में लिखी होती है तो उसका कलर क्या होता है, उसका कलर ब्लैक और वाइट होता है। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कोई चीज़ लिखी हुई है, आपको रिटिन में दी गई है ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसका मतलब होगा अ वेरी क्लियर चॉइस दैट कॉजेज नो कन्फ्यूजन। इसमें सही आंसर होगा आपका डी, इन ब्लैक एंड वाइट। आउट ऑफ डेट का क्या मतलब, आउटडेटेड भी बोल सकते हैं इसको, आउट ऑफ डेट का मतलब है ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग टू आर डिफरेंट ओपिनियन। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद, विद क्या है, एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए इसमें आएगा हैविंग। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग आर डिफरेंट ओपिनियन, मतलब यदि आप डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो इस चीज में कुछ गलत नहीं है, ठीक है। सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। हैविंग टू का मतलब होता है कि हैविंग टू के थ्रू आप कंपल्सन को बताते हैं, जैसे यू कैन मेक मनी विदाउट हैविंग टू गो आउट ऑफ योर होम, ठीक है। तो हैविंग टू में हम कंपल्सन बताते हैं कि बिना घर से जाए बिना भी आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। विदाउट हैविंग टू का मतलब है कि ये इस काम को किए बिना भी, हैविंग टू मतलब एक कंपल्सन को बताता हैव टू। तो सी यहां पर सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिकम। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, इट हैज बिकम टू डेंजरस फॉर टू मैनी पीपल। कन्फर्मिटी टू फैक्ट, कन्फर्मिटी टू फैक्ट यानी सच्चाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरेसिटी। और एक होता है वोरेसिटी, वोरेसिटी मतलब ज्यादा खाने वाला, ज्यादा कंज्यूम करने वाला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वोरेसियस। तो यहां पर दोनों ही वर्ड्स मैंने दिए हैं, वेरेसिटी और वोरेसिटी। तो वेरेसिटी यहां पर सही आंसर होगा। डिसीट का मतलब होता है धोखा, हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनेशन, थ्योरी मतलब जो थ्योरेटिकल है, जो काल्पनिक नहीं है। तो वेरेसिटी यहां पर सही आंसर आपका होगा। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, मतलब कूड़े करकट में से चीज़ों को इकट्ठा करना, जो भी यूजफुल चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना कूड़े करकट में से।
इसको हम बोलते हैं स्केवेंज। स्केवेंजर जो होते हैं जैसे बॉम्बे में बड़ी बड़ी सिटीज़ में, ठीक है, जो बीच पर घूमते रहते हैं, सामान उठाते रहते हैं, पॉलीथिन उठाते हैं, ये इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करते रहते हैं, दे आर कॉल्ड स्केवेंजर। तो स्केवेंजिंग स्केवेंज यहाँ पर सही आंसर होगा, डिस्पर्स, डिसिपेट और स्कैटर, ये तीनों सेम वर्ड है, इनका मतलब होता है किसी चीज़ को बिखेरना, डिस्पर्स, डिसिपेट और स्कैटर। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछा जा सकता है और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछा जा सकता है। एक्सट्रूजन का मतलब, एक्सट्रूड का मतलब बाहर की तरफ किसी चीज को निकालना, ठीक है, तो एक्सट्रूड से ये बना है एक्सट्रूजन, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है, सेकेंड वाली, EXTRUSION, ये इसकी सही स्पेलिंग है। ये रिएटरेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। रिएटरेट में देखिए, पहले तो रिएटरेट का मतलब दोबारा से किसी चीज़ को कहना, बार बार कहना, ताकि आप उस चीज़ को एम्फेसाइज कर सकें। तो रिएटरेट में सबसे पहले RE आएगा, RE, उसके बाद ITER ATE, इसमें आखिरी में रेट आता है, RATE, शुरू में इसमें री आता है, ठीक है, री और इट और फिर रेट, रिएटरेट, तो बी इसमें सही स्पेलिंग है। ये है पैराजंबल। देन द जाइगेंटिक फिगर, जाइगेंटिक फिगर क्या है, एक सब्जेक्ट है जाइगेंटिक फिगर, तो जाइगेंटिक फिगर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगी, तो इसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। देन द जाइगेंटिक फिगर स्लिप्ड ऑफ द ट्री एंड स्टूड, के बाद अप आ जाएगा, तो स्टूड अप बिफोर अस अ ट्रूली अलार्मिंग स्पेक्टिकल, तो यहां पर थ्री हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा YZX, YZX हो जाएगा ए, ठीक है। देन द जाइगेंटिक फिगर स्लिप्ड ऑफ द ट्री एंड स्टूड अप बिफोर अस, एक एक ट्री से एक एक बहुत बड़ी सी फिगर निकली और हमारे सामने आके खड़ी हो गई, ये वास्तव में एक देखने लायक सीन था, ठीक है। तो इसका ये एक सेंटेंस है किसी स्टोरी में से, इसको लिया गया है बीच में से। नेक्स्ट हम देखते हैं वी एडमिट एज मच, इसके बाद क्या आ सकता है, वी एडमिट एज मच व्हेन वी से दैट द माइंड, माइंड के बाद इज आएगा, माइंड इज इमटेरियल, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, माइंड इज इमटेरियल एंड येट होल्ड दैट इट इज रिलेटेड टू द बॉडी, मतलब माइंड को आप देख नहीं सकते, इमटेरियल होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, थीके? तो इसमें आपका आंसर होगा YZ और X, YZ और X, सी इसमें आंसर होगा आपका। ये प्रैक्टिस से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप, केवल लॉजिकल रीजनिंग को इसमें आपको अप्लाई करना होता है। ये है एक्टिव पैसिव वॉइस, नो वन रिस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एड, मैंने एक ऑनलाइन एड दिया उसने और किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिस्पॉन्डेड क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसमें इज एम आर तो आएगा नहीं, इज नहीं आएगा, इसमें वॉज ही आएगा, और रिस्पॉन्स बाय से नहीं बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, माई ऑनलाइन एड वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाई एनी वन, देखिए ये प्रपोजिशन टू यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिस्पॉन्ड के बाद लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। माई ऑनलाइन एड वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाय एनी वन, इस तरीके से ये बनेगा। अजय सेड टू माई सिस्टर इट्स वंडरफुल, सेट का टोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो अजय टोल्ड माई सिस्टर दैट इट वॉज वंडरफुल, टोल्ड कहाँ है इसमें, इसमें टोल्ड ये है, अजय टोल्ड माई सिस्टर दैट इट वॉज वंडरफुल, ये इसका आंसर होगा सी। ये है क्लोज टेस्ट और देखते हैं इसको, फॉर ए मिनट डिस्पेल ऑल द मेंटल इमेजेस एंड स्टीरियोटाइप्स, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एक मिनट के लिए सारे सारे मेंटल इमेजेस और स्टीरियोटाइप्स जो आपके दिमाग में भरा हुआ है उसको आप डिस्पेल कर दो, उसको बाहर निकाल दो, उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, या डिसअप्रूव कर दो, डिस्पेल का मतलब होता है डिसअप्रूव करना। फॉर ए मिनट ऑल द मेंटल इमेजेस एंड स्टीरियोटाइप्स, अब चूंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो यहाँ पर देखिए सेमी कोलोन दिया है, इसका मतलब दो सेंटेंसेस क्लोजली कनेक्टेड हैं, सेमी सेमी कोलोन का ये मतलब है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें होगा आपका फॉरगेट, ठीक है। फॉर ए मिनट डिस्पेल ऑल द मेंटल इमेजेस एंड स्टीरियोटाइप्स, फॉरगेट द जार्गन ऑफ, फॉरगेट मतलब भूल जाना, जार्गन मतलब जो एक पर्टिकुलर फील्ड की जो लैंग्वेज होती है, जैसे मेडिकल फील्ड की जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं जार्गन, फॉरगेट द जार्गन ऑफ ओपनिंग अप
फ्लो, निद्रा एंड बैलेंस, शायद यहाँ पर योगा की बात हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट टॉपिक है। फोकस, फोकस के बाद तो फिर ऑन ही आ सकता है, फोकस ऑन, फोकस के साथ केवल ऑन प्रपोजिशन ही आ सकता है। फोकस ऑन व्हाट यू नीड फॉर योर बॉडी, यू आर नॉट श्योर, यहां पर आप लगा सकते हैं इफ, इफ यू आर नॉट श्योर, ठीक है। देखिए, व्हाट यू नीड फॉर योर बॉडी, यदि आपको आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट यू नीड फॉर योर बॉडी, इफ यू आर नॉट श्योर बिगिन हेयर विद जस्ट वन आसन, ठीक है। यदि आप श्योर नहीं है कि आपकी बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप एक आसन से शुरू कर सकते हैं, बिगिन हेयर विद जस्ट वन आसन, इट इज वन ऑफ द बेसिक वंस, इट इज वन ऑफ द बेसिक वंस। और यहां पर आपने इस आसन के बारे में बताया है, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन एक चाहिए, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन होगा इसमें दैट, इट इज वन ऑफ द बेसिक वंस दैट आई लीड एवरी क्लास विथ, मतलब ये एक बेसिक आसन है जिसके साथ मैं अपनी हर क्लास को शुरू करता हूं, इट इज वन ऑफ द बेसिक वंस दैट आई लीड एवरी क्लास विथ, इसका मतलब यहां पर रिलेटिव, एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जिससे आप इस आसन को, इस टाइप को जोड़ सकें, तो यहां पर आएगा दैट। इसके बाद स्टैंड अलोन पीस, स्टैंड अलोन पीस और बिगिन विथ इट व्हेन यू आर एट द जिम, या तो आप स्टोर स्टैंड अलोन पीस को करें, एक आसन के बारे में, किसी आसन के बारे में बताया, या फिर जिम में करें इसको, बिगिन विथ इट व्हेन यू आर एट द जिम, या जब आप जिम जाते हैं तो इस आसन को, इस आसन से अपनी शुरुआत करें। यहां पर आएगा और, ठीक है, सिंपल होते हैं क्लोज टेस्ट, एसएससी में जो क्लोज टेस्ट आते हैं वो प्रैक्टिस से आप 100% एक्यूरेसी के साथ उनको कर सकते हैं, पूरे जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड्स वर्ड आएगा, कौन सा प्रपोजिशन आएगा। देखिए, जैसे 5 वर्ड का एक क्लोज टेस्ट है, तो उसमें 2 या 3 आपसे प्रपोजिशन पूछ सकते हैं और 2 या 3 आपसे वर्ड पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से ये रहता है। तो ये सेट 30 था, और इसमें मैंने 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, ये प्री के सेट्स हैं, और इस कोर्स में मैं आपको टीयर 2 के सेट्स भी सॉल्व करवाऊंगा, तो उनसे आपको टीयर 2 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनसे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो क्लास के बारे में कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।